गिरफ्तार किए गए आईआरएस अफसर शशांक यादव को कोटा एसीबी ने कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। वहीं कोटा एसीबी की कार्रवाई के बाद आईआरएस अफसर से पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। आईआरएस अफसर डॉक्टर शशांक यादव अफीम किसानों से उगाही का बड़ा नेटवर्क चला रहा था, जिसके मुताबिक अगर कोटा एसीबी उसे नहीं पकड़ती तो वो 40,000 किसानों से लगभग 320 करोड़ रुपए की वसूली और करता, जबकि अब तक वो 6,000 किसानों से 32 करोड़ रुपए तक वसूल कर चुका। उधर घूस और उगाही के रकम के ये आंकड़े सुनकर एक बार तो एसीबी भी हैरान रह गई। 2010 बैच के आईआरएस अफसर डॉक्टर शशांक यादव यूपी के गाजीपुर अफीम विभाग में महाप्रबंधक पद पर तैनात था। उसके पास नीमच अफीम महाप्रबंधक का भी अतिरिक्त चार्ज था और इसी के चलते वो पिछले दिनों नीमच के आसपास के इलाकों में किसानों की अफीम की फसल की कोडिंग मफिन की परसेंटेज की मात्रा को बढ़ा चढ़ाकर बताकर ज्यादा आरी के पट्टे देने का लालच दे रहा था। हर एक किसान 80,000 रुपए तक की वसूली की जा रही थी। बता दें कि कल उगाही कर 16 लाख रुपए तक यूपी जाने के लिए निकला था, लेकिन तभी कोटा एसीबी को इसकी भनक लग गई और कोटा उदयपुर हाईवे पर शशांक की स्कॉर्पियो गाड़ी की कोटा एसीबी ने तलाशी ली, जिसमें एक मिठाई के डिब्बे से 16,32,000 रुपए बरामद हुए। इस पर कोटा एसीबी ने आईआरएस शशांक यादव को गिरफ्तार कर लिया। अब एसीबी इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य सफेदपोश साहब लोग की तलाश में जुट गई है। ₹30,000 की अवैध राशि ले जाते हुए चेक किया था और राशि को जब्त किया था और महाप्रबंधक को गिरफ्तार किया था। और जो हमने जो राशि जब्त की उसके बारे में इनसे पूछताछ की गई है, तो इन्होंने कोई अभी तक संतोषप्रद जवाब नहीं दिया है और अलग अलग बातें बता रहे हैं। इसलिए हमने जो राशि के प्राप्ति स्रोत के बारे में जानकारी के लिए आज विशिष्ट न्यायाधीश महोदय के निवास पर जो आरोपी को पेश किया है, और माननीय न्यायाधीश महोदय ने जो 22 तारीख तक का पीसी रिमांड प्रदान किया है।